गाइस सैमसंग की एम सीरीज के मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन गैलेक्सी एम 54 5G का फाइनली फर्स्ट रेंडर वीडियो सामने आ गया है। सो, अब तक इसकी डिजाइन को लेकर के जो सस्पेंस बना हुआ था कि इसमें कैसा कैमरा लेआउट देखने को मिलेगा, यह फाइनली कंफर्म हो चुका है। तो गाइज आज इस वीडियो में हम सैमसंग के गैलेक्सी एम 54 5G की कंप्लीट डिजाइन, अब तक इसके कौन कौन से स्पेसिफिकेशन सामने आ चुके हैं, यह स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में कब लॉन्च होगा और जब लॉन्च होगा तो किस प्राइस पर यह देखने को मिलेगा, ये सभी डिटेल्स इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक बने रहिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो आपको बता दें कि ऐसे अपडेट हम सबसे पहले लेकर के आते हैं। सो आप केडी सेरा टेक को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए सबसे पहले हम गैलेक्सी एम 54 5G के रेंडर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो माई स्मार्ट प्राइस ने एक्सक्लूसिवली गैलेक्सी एम 54 5G के रेंडर्स रिवील किए हैं। इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलने वाला है। अब यह जो ट्रिपल कैमरा सेटअप है यह सेम डिजाइन और पैटर्न में आने वाला है जो ए सीरीज के गैलेक्सी ए 54 5G में, एस सीरीज के S23 एंड S23 प्लस में और सैमसंग के काफी सारे मिड रेंज स्मार्टफोन्स में देखने को मिल रही है। इसमें प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक की फ्रेम और फ्रंट साइड में गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दे रखी है। स्मार्टफोन के लेफ्ट साइड वाले फ्रेम में सिम ट्रे, राइट साइड वाले फ्रेम में वॉल्यूम रॉकर्स एंड पावर बटन दिया गया है और इसके पावर बटन पर ही फिंगरप्रिंट स्कैनर माउंटेड है। सो यह साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में आएगा। इसके बॉटम में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर ग्रिल एंड प्राइमरी माइक दिया गया है। इसमें 3.5mm का हेडफोन जैक नहीं रहेगा। कलर ऑप्शंस की बात करें तो इसमें डार्क ब्लू कलर वाला ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा शेड्स ब्लू, ग्रीन एंड पिंक का ग्रेडिएंट कलर ऑप्शन भी आने वाला है। बाकी स्मार्टफोन के फ्रंट साइड में 6.7 इंच की एक बड़ी साइज वाली डिस्प्ले दी गई है जिसके टॉप सेंटर में लास्ट जनरेशन वाले स्मार्टफोन्स के कंपेयर में इस बार थोड़ा छोटा साइज वाला पंच होल दिया गया है जिसमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा रहेगा। यह डिस्प्ले फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगी जिसमें 120 हर्ट्ज की सुपर स्मूथ रिफ्रेश रेट और एचडीआर 10 प्लस का सपोर्ट रहेगा। यह सैमसंग का फोन है और सैमसंग के फोन डिस्प्ले को लेकर के काफी फेमस रहते हैं। इसमें दी गई S2S डिस्प्ले काफी कमाल की लग रही है। सो नो डाउट एक्सपीरियंस तो प्रीमियम रहने वाला है। इसके कैमरास के बारे में बात करें तो इसके रियर साइड में 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और साथ में 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर रहेगा। तो कैमरा क्वालिटी में काफी अच्छी आने वाली है। आप इसके बैक साइड वाले कैमरा से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग अप टू 30fps तक और 10K वीडियो रिकॉर्डिंग अप टू 60fps तक कर पाएंगे। वहीं पर फ्रंट साइड वाले कैमरा में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग अप टू 30fps तक का सपोर्ट ही मिलेगा। बाकी M54 5G की डिटेल्स कुछ ऐसे हैं। इसमें Exynos का 1380 प्रोसेसर आने वाला है। अब यह सैमसंग का खुद का Exynos प्रोसेसर है जिसे इंडिया में कम ही लोग प्रेफर करते हैं, लेकिन एक मिड रेंज स्मार्टफोन के हिसाब से यह काफी पावरफुल चिपसेट है। इसमें 6GB और 8GB रैम के दो ऑप्शंस मिलेंगे। स्टोरेज इसमें 128GB की ही आएगी। बाकी 5000mAh की बैटरी, 25 वाट की फास्ट चार्जिंग, NFC, ब्लूटूथ 5.3, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स और सभी इंपोर्टेंट सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों इसकी प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो वैसे तो यह स्मार्टफोन 25,000 की प्राइस में लॉन्च होगा, लेकिन सेल्स के ड्यूरिंग एम सीरीज के स्मार्टफोन्स पर काफी अच्छे ऑफर मिल जाते हैं और सेल के टाइम पर आप इसे आराम से अंडर 20,000 में परचेज कर पाएंगे। अभी यह स्मार्टफोन गीक बेंच पर ही अपीयर हुआ है। अभी इसको इंडिया के BIS पर सपोर्ट होना बाकी है। इंडिया के BIS पर सपोर्ट होने के बाद में ऑलमोस्ट सभी स्मार्टफोन्स विद इन 1 month में लॉन्च हो जाते हैं। इसके एक्सपेक्टेड लॉन्च के बारे में बात करें तो यह 15 मार्च के अराउंड मार्केट में आ सकता है। दोस्तों यहां पर गैलेक्सी एम 54 5G का यह वीडियो खत्म हो जाता है। इसको लेकर के आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।